लाइव आने का यही मकसद था कि ये जो देश का देश के तिरंगे का रंग यहाँ पे LED लाइट के साथ दर्शाया गया है कि हाँ भाई ये हमारा इंडिया ही है और हमारा करनाल बहुत ही अच्छा है और हमारा करनाल फेमस करनाल है। देखिए कहीं मैं क्या था रहा हूँ, सफल तो कभी है ही तो है इंडिया ज़्यादा नहीं। बाकी देखा जाए रात का सफ़र बहुत ही अच्छा लगता है रात को सफ़र करना और थोड़ा इन्जॉयमेंट भी रात को अगर मानते इन्जॉयमेंट करना अगर रात भी होती है तो बहुत ही बेटर फील करते हैं रात को सफ़र करने में। ज़्यादा खास कर देखा जाए तो रात को सबसे ज़्यादा बेटर फील बाइक पे ही घूमने में आता है, इसलिए बाकी अगर देखा जाए तो मैं बाइक से ऐसे घूमना नहीं चाहिए क्योंकि ये गाइडलाइन से बाहर हो सकती है। ये जो वीडियो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन है उसके बाहर हो सकती है ये वीडियो, ये ना तो रहा हूँ लेकिन पता नहीं ये चल पाएगी नहीं क्योंकि रात को देखना अगर पता क्योंकि अच्छी फीलिंग आ रही है तो अभी मैं ज्वेलपुर ज्वेलपुर करनाल के सबसे फेमस हो गया। देखिए दिखाता हूँ आपको ज्वेल्स करनाल में हैं, आजाद पंछी हैं। अगर हम करनाल से बाहर जाएं या फिर कहीं भी जाएं तो थोड़ा सा डर सा लगा रहता है कि हम पता नहीं कहाँ आ चुके हैं, लेकिन फिलहाल मैं करनाल के अंदर हूँ। करनाल के अंदर मेरे को थोड़ा सा भी डर नहीं है किसी भी चीज़ का और यहाँ पे बहुत ही ये लोग करनाल का एरिया है, ये बहुत ही अच्छा एरिया है इसलिए ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर हरियाणा में भी फेमस है बिकॉज कुछ इंडिया की वजह से वो बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे जैसे महल होगा, महल भी बहुत ही फेमस है, जगह जगह फेमस है महल और खासकर NDRI DWR FCI वगैरह हैं जो देखने के लायक हैं हमारे करनाल में। मैं आ चुका हूँ यहाँ जी, ये है बाबा साहब अम्बेडकर, देखिए ये बाबा साहब अम्बेडकर अगर कहें तो इनके बिना कुछ नहीं था बाबा साहब अम्बेडकर के बिना हमारे क्या किसी की जिंदगी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का होना या ना होना नहीं, होना बहुत अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो रूल एंड रेगुलेशन हैं और उन्होंने स्टडी की है बहुत ज़्यादा, उनको हमें आदर सम्मान देना चाहिए और जरूरी नहीं कि उनको छोटे ही कास्ट को छोटे ही कास्ट की तरफ से वो करना चाहिए, बड़ी कास्ट वाले भी इसको बहुत होते हैं लेकिन ये सभी इसका सम्मान करें, बहुत ही अच्छा
नहीं, मैं क्या बोलता रहता हूँ क्या नहीं बोलता रहता हूँ, कुछ ही बोल देता हूँ। इसलिए सॉरी अगर कुछ चीज़ें बुरी भी लग जाती हैं, चीज़ें जाती हैं, ऐसा कुछ जो किसी को अच्छा नहीं लगता। मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरी सॉरी किसी को बुरा ना लगे मेरी बात का। बाकी मैं अभी ठंडी सड़क पे चल रहा हूँ, ये है हमारे करनाल की फेमस ही लगा लो फेमस सड़क है, ये ठंडी सड़क बोलते हैं इसको। ठंडी सड़क इसलिए बोलते हैं, ये इस पे पेड़ पौधे हैं और बहुत ही अच्छा एरिया है, सबसे ठंडा एरिया यही है। और दूसरा यहाँ ये मॉल रोड है, मॉल रोड पे यहाँ पे डीसी कोठी होगी, एसपीड या ज़्यादा बोल चुका है या बस। लाइव आने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन मेरा दिल की है कि मैं काफ़ी तरह से लाइव नहीं आ रहा था, इसलिए मैं सोच रहा था चल लाइव आ ही जाता हूँ क्यों ना। बाकी रात को जो अच्छा अच्छा आ रहा है बहुत, और फीलिंग भी अच्छी आ रही है रात को।